assalamu alaikum students today we'll start with lecture number 3 of chapter number 4 and the topic today is filling and printing an array now students let's start with our topic and that is filling and printing of an array data string and numbers yani jo data hai chahe wo string value a numeric value hai, is entered in an array by using let रीच और इनपुट स्टेटमेंट यानि कि डाटा जो है वो हम एरे में एंटर कर सकते हैं बाई यूजिंग लेट रीड और इनपुट स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो यूज की जा सकती है डाटा में भी असाइन टू द सब्सक्रिप्टड वेरीएबल इन एन एरे और डाटा जो है वो सब्सक्रिप्ट वेरिएबल को जो है वो असाइन किया जा सकता है इन में से कोई भी तीनों में से लेट रीड और इनपुट स्टेटमेंट में से कोई भी आप एक स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं अब हम आपको एग्जांपल से जो है वो समझाती हूँ कि इसमें जो है वो किस तरीके से आप रीड डाटा या इनपुट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन एरे अब एग्जांपल नंबर वन में आप देखें तो इसमें रीड डाटा स्टेटमेंट जो है वो यूज़ हुई है ठीक है और साथ में जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ हुई है फॉर प्रिंटिंग एन एरे अब फर्स्ट इज़ लाइन नंबर टेन फोर के इज़ इक्ल टू वन टू फोर अब इसमें एक वेरिएबल है के जिसकी वैल्यू है वन से लेके फोर तक ठीक है अब इसमें कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करनी है फोर वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें स्टोर दी अब इसमें जो है वो चूंकि लूप हमने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले हम रीड स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए और इसमें जो वेरिएबल जो हमने लिया है डैट इज़ एन डॉलर साइन यानी ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है तो हमने एरे को डिफाइन कर ले करने के लिए एन डॉलर साइन जो है वो उसका नेम लिया है और के जो है ये वो वैल्यू है जो के वन से लेके फोर तक यानी कि इसमें फोर एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर होंगे अब नेक्स्ट इस लाइन नंबर थर्टी यानी कि जैसे जैसे वैल्यू जो है वो पहली वैल्यू आएगी तो उसमें जो है वो रीड पहली वैल्यू करेगा और उसके बाद साथ ही उस जो वैल्यू है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाएगा और ये जो है लास्ट में एंडिंग ऑफ लूप है और उसके बाद जो है ये डाटा दिया गया है लाइन नंबर फिफ्टी पे डैट इस शाइस्ता महमूद सलीम एंड हिना और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो रहा है अब होगा क्या कि जब के की पहली वैल्यू होगी वन तो उसमें जो है वो पहली वैल्यू जो है वो रीड होगी एंड दैट इज़ शाइस्ता और साथ ही स्क्रीन पर जो है वो प्रिंट हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू एंड दैट इज़ शाइस्ता उसके बाद जब के की नेक्स्ट वैल्यू आएगी टू तो उसके बाद जो है जो नेक्स्ट वैल्यू है महमूद वो जो है वो रीड आउट होगी डाटा स्टेटमेंट में से और साथ ही स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू जैसे ही के की जो है वो थ्री होगी तो जो नेक्स्ट डाटा uh, में वैल्यू है डाटस सलीम वो उसको जो है रीड डाटा स्टेटमेंट जो है वो रीड आउट करेगी और उसके बाद प्रिंट जो है वो साथ ही स्क्रीन पर हो जाएगी एंड इज सलीम और जैसे ही के की वैल्यू फोर होगी तो जो फोर्थ वैल्यू है इज हिना वो जो है रीड आउट होगी और उसके बाद जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी और इस तरीके से ये चारों जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट और ये वैल्यूज़ इनपुट होंगी बाय यूजिंग रीड एंड डाटा स्टेटमेंट और इस तरीके से एरे जो है वो रीड और डाटा स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए फिलअप किया जा सकता है अब जो नेक्स्ट जो है हमारा प्रोग्राम है डैट इस वो हम इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए जो है एरे को फिलअप करेंगे एंड डैट इस लाइन नंबर टेन से स्टार्ट हो रहा है फॉर के इज इक्ल टू वन टू फोर अब इसमें जो है वो वैल्यूज़ हम इनपुट करेंगे इनपुट एंटर द नेम ऑफ अ स्टूडेंट और इसमें भी हमने एन डॉलर साइन जो है वो एरे नेम लिया है और के जो है वो हमने ब्रैकेट में इसलिए लिया है कि जो हमने लूप लगाया है उसमें वैल्यूज़ वन से लेके कर फोर तक है उसके बाद लाइन नंबर थर्टी यहाँ पर लूप जो है वो एंड हो रहा है कि जिसमें हमने वैल्यूज़ सिर्फ इनपुट करनी है उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड लूप जो है वो स्टार्ट किया है जिसमें हमने उन वैल्यूज़ की प्रिंटिंग करवानी है स्क्रीन पर तो फोर के इज़ इक्ल टू वन टू फोर उसके बाद लाइन नंबर फिफ्टी इज़ प्रिंट एंड डॉलर साइन के उसके बाद सिक्सटी नेक्स्ट के एंड लास्ट इज सेवेंटी एंड अब ये लूप जब पहला लूप जब स्टार्ट होगा जब पहली वैल्यू के की होगी वन तो वो आपसे पूछेगा एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट आप पहला नेम जो है वो एंटर करेंगे उसके बाद जब के की वैल्यू होगी टू वो आपसे नेक्स्ट वैल्यू पूछेगा एंड डैट इज़ आप उसमें जो है एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट आप सेकंड जो है स्टूडेंट का नेम वो एंटर करेंगे इसी तरह से थर्ड और इसी तरीके से फोर्थ ये लूप जो है जब वो फिनिश हो जाएगा तो नेक्स्ट लूप आपका स्टार्ट होगा और उसमें जो है जब जबकि की पहली वैल्यू होगी वन तो साथ ही जो आपने पहला नेम एंटर किया होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा इसी तरीके से फिर सेकेंड नेम इसी तरीके से थर्ड नेम और इसी तरीके से फोर्थ नेम जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा तो इस तरीके से जो है ये लूप्स जो हैं वो जो हैं वो चलेंगे और जो वैल्यू है वो इनपुट भी होगी और प्रिंट भी होगी तो इस तरीके से जो है वो एरे को फिल भी किया जा सकता है और प्रिंट भी किया जा सकता है